लाठी पश्चात पुलाड़ी से वार करते रहे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। शुक्ला जी, लाठी की चोट पे, लाठी के बारे में कितनी दम होती है? आप लोग लाठी के चोट को इतना बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं प्रोसिक्यूशन स्टोरी। लाठी की चोट से क्या हो गया? अभी मरना तो उसकी बदकिस्मती थी। आयास आपको 8 साल जेल में रख दिया, उसकी पीड़ा को याद करो और अपनी पीड़ा के बारे में सोचो। ये पीड़ा जो है उसी कर्मों का फल है। ऑर्डर पढ़िए कोर्ट का। संक्षेप में अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक 7/7/2011 को सुबह करीब 8 बजे मृतक राजीव और राजकुमार खेत की तरफ गया हुआ था। वहीं पप्पू आदिवासी PW1 खेत को ट्रैक्टर से जोत रहा था। वहीं फिरन PW4, शिशुपाल PW3 एवं पप्पू आदिवासी मौजूद थे। तभी ट्रैक्टर महिंद्रा लाल रंग से अभी रामदुलाल लाडरी, देश सूखा प्रसाद, जसवंत लाठी, लोकेंद्र पुलाड़ी, मुकेश एवं दान सिंह लाठी लिंगे होकर एक आय होकर ट्रैक्टर से खेत में कून पड़े। राजू को लोकेंद्र लोधी ने जान से मारने के लिए से कुल्हाड़ी से वार किया जो उसके हाथ एवं सिर में चोट आई, वह गिर पड़ा। तभी अभियुक्त लाठी प्रसाद कुल्हाड़ी से वार करते रहे जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। शुक्ला जी, लाठी की चोट पे, लाठी के बारे में कितनी दम होती है? आप लोग लाठी के चोट को इतना बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं प्रोसिक्यूशन स्टोरी उसमें फाइनल रिपोर्ट में। भाई लाठी क्या हुई? स्केल से बच्चे नहीं खेलते हैं क्लास में, अब स्केल से क्या चोट आई? 8/7/2011 वैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा कौन सा अपराध कर दिया उसने? लाठी की चोट से क्या हो गया? अभी मरना तो उसकी बदकिस्मती थी। और ये मारने कौन गए थे उसको? ये तो केवल उसको डराने गए थे लाठी लेकर के, और आपने बढ़ा चढ़ा के खेस बना दिया। तब लाठी से इतना मारा कि आदमी मर गया। लॉट्स ऑफ काइंडनेस और लास्ट ऑर्डर 8/7/2011 में थैंक। अरे हम समझ रहे हैं, मतलब आप दर्द समझ रहे हैं। अनायास आपको 8 साल जेल में रख दिया। ठीक है, रिपोर्ट ऑल्सो मेक आई डिलीव व्हाट ही इज अनेबल टू डू हिज वर्क विदाउट एनी अटेंडर। कभी आपने ये सोचा था जब हमने लाठी मारी थी वो आदमी ने जमी उसी वक्त मौके पे दम तोड़ दिया तो उसकी उसे कितना दर्द हुआ होगा? कभी रियलाइज किया था आपने? स्टडी आज सा वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब लाठी बरसा रहे थे उस गरीब के ऊपर और जिसे दम तोड़ दिया वही स्पॉट पे, उसकी पीड़ा को याद करो और अपनी पीड़ा के बारे में सोचो। ये पीड़ा जो है उसी कर्मों का फल है। अभी स्थिति तो ये है कि अभी वहाँ पे फीस उतना दे पाएगा वो, अब डेरा ही में रहेगा वो। मेडिकल रिपोर्ट में कहें जब तक 10 साल ना हो तो आना नहीं आप। कौन जी मेडिकल रिपोर्ट में कहें नो बटो कितना ब्रूटली बीटिंग है रे? आई थिंक देखा पिक्चर देखी है, कितनी इंजरीज है इसमें? 10 इंजरीज है। 10 इंजरीज है और लाठी की फेटल है सर पे और फिर सर। मेन पर्सन आप ही हैं, मेन एक्यूज्ड इन्फॉर्मेशन मेडिकल क्यों बुलवा रहे भाई? अभी हम मेडिकल रिपोर्ट अभी तो ऐसा है, अभी वहाँ रहो कुछ समय, सब समझ जाएगा। वहाँ पर डॉक्टर लोग वहाँ रहते हैं। 7/2022 को मुझे ऑन द ग्राउंड ऑफ पैरालिसिस 4 मंथ इंटरव्यू में थी। वो तो ये पूरी सीक्वेंस चलती ही है। पहली दरखास्त शादी ब्याह, दूसरी दरखास्त बीवी का बच्चा होने वाला, तीसरी दरखास्त माँ बाप बहुत बीमार हैं, चौथी दरखास्त हमारे पेट में बहुत दर्द है, पांचवीं दरखास्त साहब दिल का दौरा पड़ रहा है। जब सब फेल हो गए साहब हमें तो लकवा मार गया, जब लकवा हो गया साहब हमें कैंसर हो गया, जब कैंसर नहीं निपटा तो साहब अब तो हम मर सैया में वहाँ पर। इस सारे त्रुप के पत्ते चलते हैं वकील लोग, उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, पता है रिपोर्टें कैसे बनती हैं, अब ज़्यादा मत करवाओ उनसे। तो इन डॉक्टरों ने तो जो दिखता है कुछ ऐसा कर रखा है जहाँ गोली लगे तो बोले वहाँ चेंद ही दिखाई पड़ा, हटा हुआ गांव है, कुछ तो लिखवा लो उनसे, अल्लाह वो गलती से लिख दे, लकवा हाथ में हो और लिखे दाहिने पैर में लकवा है, कोई बड़ी बात नहीं डॉक्टरों का, तो कुछ भी करवा लो उनसे। तो